toma, carro. ¿Qué hambre? ¿Cómo va a ver tu hermana? Toma, toma, carro, toma. Toma, toma, toma. Ahí está, toma, toma. जवाब चलाओ जकड़ के उसको अंदर से तेज के साथ जपड़ो जलाओ जलाओ उसके अंदर आग लगाओ तेजी से हाँ जपड़ो जलो उसको और तेजी से आग लगाओ उसके अंदर जब तक उन्हें मेरे सवाल जवाब नहीं देंगे उसके अंदर आग भड़काते रहो तेजी के साथ और जलाऊं लगाऊं क्या तेजी से आग और जबान से बोल जबान से जलाओ उसको जलाओ थोड़ा मतलब तेजी से आग लगाओ उसके अंदर हाँ बोल और लगाऊं तेजी से भड़काऊं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्मा لكني الله نفسي وعينك تكني الله نفسي تقرب جلب الشرف والنغاية وإني لا تجد الله برحمتك فانشلني عندك أحد طوفي عندك أحد طوفي لا يوم القرض إنك لا تقل بالميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وصحابه أجمعين برحمتك يا مرحمين جلاو تيجي كساد أور بلقاو اسكندران चलो उसके हाथ अभी काट के लिए हाँ चल बयान कर कहाँ से लाए थे तुझे शमशान से कब्रस्तान से छोड़ता तो नहीं तुझे मैं भी काट के जलाता हूँ ठहर हाँ जोर से और जोर से अशफाक के आंग में कहाँ से लाके डाले उसको अंदर से आग लगाओ कहाँ से पकड़े थे कहाँ से और जोर से हाँ 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 काट दूँ काट दूँ हाँ काट दूँ जवान से बोल जवान से बोल हाँ या ना हाँ या ना हाँ हाँ फिर मेरे सवाल के जवाब दे अशफाक को कहाँ से लाके डाले तेरे को पकड़ किसके आंग में अशफाक के आंग में हाँ शमशान से ए इधर इधर क्या मरा यहाँ हाँ कहाँ से शमशान से कब्रस्तान से कहाँ से मेरे दो चार सवाल के जवाब दे अभी छोड़ देता हूँ हाँ सवाल के जवाब दे हाँ हाँ शमशान से पकड़े कब्रस्तान से पकड़े जोर से बोल कब्रस्तान शमशान कहाँ से कहाँ से चलाओ उसके हाथों में तेज आग लगाओ और जोर से छोड़ू के नहीं छोड़ू हाँ जबान से बोलना पड़ता है यहाँ हाँ 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 छोड़ने का नहीं छोड़ने का ठीक है नहीं छोड़ने का छोड़ने का हाँ छोड़ देने का हाँ फिर मेरे सवाल के जवाब दे शमशान से लाए नहीं शमशान से लाए क्या नहीं अच्छा कब्रस्तान से लाए जोर से बोल
कितना टाइम हुआ मिलाकर? कितने कितने साल हो रहे? कितने साल? कितने साल? दो साल हो गए, दो साल हो गए। अच्छा, अश्वक कुमार ने कहे तबाही बर्बादी करके, पूरी तबाही बर्बाद तू नहीं लगाया उसकी? अच्छा तू उसको, अच्छा अम्मास में पूनम में कब? जोर से बोल, अम्मास में। अच्छा इस घर में से और किसको मारने का भय ना भाई? माँ को, बाप को, बच्चों को, किसको 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 किसको? अबे जोर से बोल, किस किसको मारने का? और बच्चों को? अच्छा बेटी को, बेटे को, दोनों को मार देने का है? पहले अशफाक को मारने का, फिर बच्चों को मारने का? देखो ऐसा बोले मार दे। अच्छा मैं नाम नहीं पूछा, मैं नाम नहीं पूछा किसने जादू करा, जादू कौन करा? उसका कारोबार वाला है, रिश्तेदार है, कौन है? दोस्त ने करा, रिश्तेदार ने करा, किसने करा? अच्छा नाम नहीं पूछा मैं, वो उसके उसके खानदान का, बाप के खानदान का है कि ससुराल के खानदान का है? किधर का है? अशफाक के बाप का। अच्छा चलो जकड़ कर रखो तेजी के साथ में, सबकी मूड बनाओ, मैंने सबको मारो बोला, बच्चों को, रश्मि आपको। अच्छा जादू करने के बाद कहीं में खिलाया था दवा ला के? कहीं में खिलाया? क्या खाना था वो? क्या खाना था? क्या खाना था? क्या था? काय का था? काय का था? काय का था? गोश्त का सालन था क्या? कौन सा सालन? काय का गोश्त था? अच्छा चल तो आ जाओ, तू दोनों हाथ काट दे, तू तो कर ए कैमरा घुमा कर, तो कर तो आ जाओ कर जल्दी, तो घुमा 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 अंडा दो, और जोर से थोड़ा दो, और जोर से थोड़ा दो, और जोर से थोड़ा गुंडा ला, थोड़ा अंदर से जोर से, तो बस हुआ सदा चल रहा है हां, निकल बाहर जा, खड़े रह सारे, चल लोगों को परेशान कर रहा, दूसरी चक्कर में तेरे को फांस ला देंगे, जब तक जकड़ के रखो इसको, चल निकल, चल जा बाहर, दूसरी चक्कर में फांस ला देंगे। अरे अशफाक मियां क्या हुआ? शरबत पियो, घर में ना सब परेशान है हमारे। क्या हो रहा तुम्हारे घर में? इनके बीच का भी कम्बर का दुखता, इनके घर वाली का भी सिर में ऐसे बीच में है ना, चट्टा है बाल गया। कैमरा ये बात किधर चल रहे? कौन एक ही तरफ पुतले की तरह ठहरता क्या? जा पीछे। उसके बाद में वो मेरे आपका के हाथों को भी एकदम ऐसा जख्म होती है, एकदम कल हाथ, जोर से बोलो कल हाथ को जख्म होती है आपका के भी, और बाकी के मेरे मेरे बात मैं कर रहा हूँ, मेरे घर वाले के भी कमर दर्द है, वो इनके मेरी बीवी के भी सिर में, हाँ तुम बात मत करो बीच में, हाथों बोलो क्या बोलो, इनकी बीवी के सिर में भी पूरा ऐसा चट्टा गया था, बाल गया और बहुत सर दुखता, कमर दर्द है भाई। अच्छा वो तुम्हारे उसको भी दुश्मनियां तुम्हारे खानदान के चल रहे, उन्होंने जादू टोने करे मारने के वास्ते, इनको घर में क्या तकलीफ होती थी वो बयान करो अभी। उनको है ना ऐसा कमर दर्द होता पूरा, ऐसा जकड़े जैसा होता, हाँ और क्या होता था, ऊपर से नीचे तक जकड़े, दवाखाने बताए होंगे ना, बहुत दवाखाने करे कम से कम 7-8 साल से, क्या दवाखाने में फर्क नहीं हुआ क्या? कुछ नहीं, हमारा वो सब करे 3 बार, सब नील था क्या? सब नील था कुछ, और मौलाना लोगों को दुआ पानी को महाराजों को स्वामियों को किन को बताए क्या? मौलाना को बताए थे उन्होंने पीछे, तो वो बोले जगह में कुछ प्रॉब्लम है कुछ कुछ ऐसा। अब क्या था सामने आया ना देखे ना, हाँ। और दूसरी बात, इससे पहले इलाजों को भी बताए होंगे, कहीं हाजिर हुआ क्या? ऐसे सवाल जवाब हुए क्या कहीं हाजिर होके? नहीं, जोर से बोलो, जबान पेट में गिरी क्या? नहीं हो गई, हाँ नहीं हो गई, दुआ पानियों को बताया, सब तरफ बताया, इलाजों को बताया, मगर हाजिर नहीं हुआ, नहीं दवा खाने बताया, फैज हुआ था क्या? नहीं हुआ। कैमरा इधर मानो, इधर तकलीफ क्या होती थी जोर से बोलो? कमर दर्द होता पूरा जकड़े जैसा होता, हाँ। ये जो मसला है इनका, यहाँ कितनी बार आए थे तुम हाजिर हुआ तो? पहली बार में हुआ, दूसरी बार में, तीसरी बार में, जोर से बोलो। या पहली बार आया था, पहली बार में हाजिर होगा, हाँ। अच्छा मैं अभी हाजिर करा और इसके सवाल जवाब करा तो इसके 5 लाख 10 लाख कुछ दिए होंगे मुझे हाजिर कराने के? कुछ नहीं, जोर से बोलो। कुछ नहीं दी। 2 लाख तो दिए होंगे? नहीं कुछ भी नहीं। 1 लाख तो दिए होंगे? नहीं। क्या मेरा जमान, सबका अलग अलग रहता। ये जो है ये मसला है कि उन्होंने इसकी, ये शख्स की, बच्चे की मुद्दत बंदी है,
किसने बना, इनके खानदान के कुछ झगड़े चल रहे, हो सकता कैपे से हो, मैं को तो सब बातें मालूम है मगर मैं मेरे जबानी नहीं बयान करता, मैं आगे इनकी जबानी पकड़ के उससे पूछूंगा। क्योंकि मैं अभी पहली राउंड में नाम नहीं पूछा है, सेकंड राउंड में नाम पूछूंगा। और दूसरी बात कि यहाँ नाम नहीं निकलेगा तो कहाँ निकलेगा? तुम बिल्ली दूध पी रही आंख बंद करके और ये समझ रही कि हमको पता नहीं चलेगा, कोई देख रहा नहीं मुझे, मैं दूध पी रही हूँ, तो ये गलत गलत बिल्कुल गलत सोच है तुम्हारी। क्योंकि तुम जादू कर दे रहे और तुम ये सोच रहे कि हमारा नाम पता नहीं चलेगा, तो यहाँ आने के बाद नाम तो पता चलना ही चलना है। तुम्हारी ही जबानी, तुम्हारे जिसने भी जादू अहले आयाम ने जिसने भी तुम्हारे ऊपर करो सामने आ जाएगा यहाँ। क्योंकि यहाँ अल्लाह का निजाम चलता है, मेरी क्या मिसाल, इंसान की और बंदों की क्या मिसाल, ये सब अल्लाह के कलाम की ताकत है और ये कलाम इलाही का ही क्या बोलते तो मौजज़ा है लोगो। और दूसरी बात, इतनी जहन नशीन कर लो, कल मेरे पास लोग आए थे निजामाबाद के साइड के, अरे शर्म करो कमबख्तों, नामखूलो बदबख्तो, जहन्नुम का ईंधन बन जाएंगे लामहदूद जिंदगी के लिए। उन्होंने बोल रहे थे कि मुसलमान लोग इतने गाफिल हो जा रहे कि अल्लाह की राह छोड़ के बुत परस्ती की राह पे जाकर इलाजा कर रहे जादू करने के। वो गन कुछ उठता ना, वो हत्ती का मुंह लगे लड़ता, मैं नाम तो नहीं लूंगा, तो उसकी पूजा कर रहे। और शिर्क में अगर तुम शामिल हो जाएंगे, अल्लाह ने कहा हराम माफ कर दूंगा, कबीरा सगीरा सब माफ कर दूंगा, वक्त आ जाएगा तो कोई भी तेरा गुनाह रंदे माफ कर दिया जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुझे शफात की उम्मीद है और तू मुसलमान है, तो तुझे शफात और हौज़े कौसर का जाम अता किया जाएगा आखिरत में। क्योंकि वो अल्लाह के नबी रहमतुल्लिल आलमीन है, सारी उम्मत को जन्नत में लेके गए बगैर आप जन्नत में नहीं जाएंगे, क्योंकि इतनी तुमसे मोहब्बत करते उम्मत से। कोई भी इंसान का जब दम जाता दुनिया से रुखसत होता वो तो बता, मेरे बच्चों को ला के बताओ, मेरे बीवी को ला के बताओ, मेरे इसको लाओ, मेरे अहल वाल को लाओ, पुत्र को लाओ, नवासे को लाओ। अरे शर्म करो, वो अल्लाह के नबी तुमसे इतनी मोहब्बत करते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी नहीं बोले आपने मेरे हसन को लाओ, मेरे हुसैन को लाओ, मेरे फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर फातिमा को लाओ, या अली की शक्ल बताओ, नहीं। आपने कही मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, क्या होगा मेरे बाद मेरी उम्मत का, कैसा अल्लाह मेरी उम्मत को तू बख्श दे, तू वादा कर तुझ मैं मेरी रूह से परवा दूंगा, जैसा मेरे से वादा कर मैं जा रहा हूँ आखिरी वक्त, मेरी उम्मत की के फरिश्ते तक वादा लिए कि तू भी वादा करके मेरे उम्मत की रूह आसानी निकाल देगा, सारे उम्मत का दर्द मेरे ऊपर डाल दो। और उम्मत यहाँ क्या कर रहे, एक दूसरे पे जादू टोने कर रहे, चलो जादू टोने कर रहे तो अब शिर्क की राह पे भी चले गए, काफिर मुनाफिक मुशरिकों को तो छोड़ दो, तुम काफिरों के पास जाके बुत परस्ती कर रहे, तुम ये ऐसा कर दिए, ये मूर्ति पे फूल डाल दिए, ये मूर्ति की पूजा कर दिए तो जादू हट जाता तुम्हारा। अरे मेरे को आके बोल रहे तेलंगाना वालों शर्म करो, और कहां कहां के लोग अगर इसकी हरकत कर रहे होंगे तो शर्म करो, तुमको शफात की उम्मीद से तुम महरूम हो जाएंगे, तुम हम में से नहीं है, फिर नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो तुम जादूगर के पास जा रहे हो, उन सभी गुनाह अल्लाह माफ करेगा, शिर्क माफ नहीं करेंगे। अल्लाह ने वादा करा शिर्क अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करे फिर माफ नहीं होंगे। तुम कोई चांद सूरज जमीन आसमान गैलेक्सी किसी की औकात नहीं, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, जानदार पे बेजान पे, सब सब गुलाम है अल्लाह के। और तुम ऐसी हरकत कर रहे जाके मूर्तियों की पूजा कर रहे, अभी तुम्हारे को शिर्क है ना, वो उससे तो फिर दरगाह पे जाना शिर्क नहीं होता ना, मखूल बदबख्त क्या बोलते तो बेवकूफ सातियां सातियां करते फिर रहे, लोगों को उल्लू बना रहे, दरगाह पे जाना शिर्क है, उनको शर्म नहीं आ रही, लोगों को मंदिर, लोगों को बुत परस्ती के करीब जाने से रोको, बुत परस्ती अगर तुम शुमार हो गए, नरसू की पूजा कर रहे, नरसू हैसियत है उसकी नरसू की, अल्लाह और अल्लाह वालों के सामने जूती के नीचे उसको जूतों के नीचे की धूल भी साफ करने नहीं देते मार के जूते से, इतने अल्लाह वालों को अल्लाह ने पावर दिया ले, क्या बयान करवा दो। अगर तुम मान अल्लाह वालों के बुजुर्ग आने दिन के दर छोड़ के बुत परस्ती करने जा रहे, नरसू की पूजा करते शर्म नहीं आ रही, और वो दूसरा एक हत्ती के मुंह उसकी पूजा करते शर्म नहीं आ रही तुम्हारा, क्या रहेगा तुम्हारा दीन ईमान सब चलेगा खत्म होगा, तुम्हें अल्लाह के साथ शरीक कर दिए तो खत्म जहन्नुमगे, उलमाए दीन तुम्हारे बिरयानी और ताहरिया खा के सोने कुछ, और दावतों में जाके चट करके आके सोने के वास्ते तुमने इल्म सीखे वाला है क्या, ना मकुलो, तुम्हारा काम है ना सिखाना लोगों को और बोलना, जुम्मा के बयान किस लिए दिया हुआ है तुम्हारे, जुम्मा के बयान में ये करना लोगों को शिर्क करने से रोकना है तुम्हारे, तुम शिर्क का तो पीछे नहीं पड़े, तुम तो इसके पीछे पड़ गए, बुजुर्गान दीन के दरगाह पे जाना शिर्क, गलत जगह फतवे लगा रहे, जहाँ फतवे लगाना वहां लगाओ, मेरे को कल आके लोगों ने बोले तो मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को, तो बुत परस्ती के करीब चले जाते माफी नहीं मिलेंगी, हौज़े कौसर का जाम और शफात मोहम्मद की उम्मीद तो छोड़ दो, अल्लाह जी ने पहले फरमा दिया उसके साथ शरीक करे शिर्क होगा, शिर्क की कोई माफी नहीं है, कोई माफी नहीं, सारे गुनाह तुम्हारे बख्श दिए जाएंगे, अल्लाह रहमान और रहीम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु भी इतने क्या बोलते तुम्हें क्या बयान करूं, तुमको जन्नत मिलेंगे गए बगैर नहीं जाने वाली, इतनी तुमसे मोहब्बत करते, अल्लाह भी तुमसे इतनी मोहब्बत करता रहमान और रहीम है, सारे गुनाह माफ कर देंगे वक्त आने पर।
मगर कैसा बख्शे देंगे शिर्क करेंगे तो जहन्नुम में जाएंगे, इंधन में जाएंगे जहन्नुम का। अल्लाह वालों के सामने कोई शैतान, कोई मूर्ति पूजा, किसी की कोई औकात नहीं है, क्योंकि अल्लाह खुद जमीन पे आके फैसले देता है। मैं वलियों के हक से चुन के फैसला चलाता, बहुत सारे बातें हैं, मैं क्या बयान करूं। मैंने सुनने से ज्यादा अल्लाह सब अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों खास करके सुनो, औरतें बच्चों पे नजर रखो अपने, कहां जा रहे क्या, उन्होंने कोई इलाज वाले के दर पे जा रहे क्या, नहीं जाने देना, रुकाओ। घर में हदीस और कुरान है तुम्हारे घर में, वो पढ़ाओ, मामूल बनाओ, तो अल्लाह से सकली कनेक्ट होंगी, अल्लाह से तुम्हारा नेटवर्क कनेक्ट होगा, तुम्हारी सारी वबाएं आफतें खत्म हो जाएगी। और शैतान से कनेक्ट करने चाहिए तुम्हारे औरतें बच्चे बीबियां, नजर रखो ना रे कहां जा रहे, तो और बुतपरस्तियां कर रहे हो, हलाक हो जाएंगे दुनिया में भी, आखिरत दोनों भी गई तुम्हारी बर्बाद हुई। में बोलने को अल्फाज नहीं मेरे तुम्हारा, क्या बोलूं मैं। और बड़े लगे अपने आपस में लड़ने में, देखो कहाँ भटक रही कौम, कैसा हो रही, ये उलमाए दीन, ये शर्म नहीं आ रही क्या, ना लायकों को चार चार किताबा पढ़ लिए और लग गए तू ये तू वो जमात वाला, मैं ये जमात वाला करने में। तुम्हारा बाप सिखाएगा क्या जनता को, तुम्हारा बाप बोलेगा क्या गरीब मुसलमानों को कि क्या हलाल है और क्या हराम है, कहाँ जाना शिर्क और कहाँ जाना बिद्दत है, तुम बोलेंगे तो तुमके दिल दिमाग से निकलेगा ना। बैठ के गुलाब जामुन खाने के वास्ते दिया क्या अल्लाह ने तुम्हारा इल्म, बोलने को अल्फाजा नहीं मेरे तुम्हारे लोगों को, इतना गुस्सा वाला नहीं उत्तम वक्त, शिर्क की माफी नहीं है, एकदम माफी नहीं है क्या, उम्मत को इतनी भी गुमराह करा दिए तुमने, इतने भी लोगों को भटका दिए कि उन शिर्क की राह पे चले जा रहे, हद हो गई, शर्म आना तुम लोगों को, उनको इल्म नहीं है तो तुम्हारा को इल्म है, तुम हर एरिए में आलिम हाफिज मुफ्ती खारी है, उनका काम है समझाना, तबलीगी वहाबड़ा अहले हदीस देवबंदी सब साइड में रखो, पहले उनको शिर्क से रोको, शिर्क करने से बाद में सब सिखाना दीन। बड़े आए नाम अपना आपस में लड़ रहे और लोगों को छोड़ दिए खुला मौका, और जादूगरों के पास जा रहे, जादू कर रहे, जादू हटाने के मुसलमान इतने मजबूर हो जा रहे कि करे वह शर्म करो, मेरे को बोलने को अल्फाज नहीं मेरे तुमको, अल्लाह बचाए बाप सबकी ईमान की हिफाजत करे, दीन की ईमान की, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो आलम देखे अब्दी का, तो ये तो बला ने आके इसके बयान करी सामने, पहली बार यहाँ इन आए तो पहली बार में इनका हाजिर हुआ और हाजिर होकर उसने सारी दास्तान बयान कर दिया जो भी है सामने। और इलाज के कुछ तरीके रहते, तुम बोलेंगे इलाज नहीं मेरे तरीके से इलाज होना, हम जैसा बोल रहे हो वैसा वैसा इलाज नहीं होगा। तुम बोलेंगे कि मेरे को पानी पीना है, मुझे पानी क्या बोलते, तो गिलास में भी रख डालो, बाटल में तो अंदर हवा में उड़ के मेरे मुंह में आना, बोलते वैसा नहीं होता। हर चीज के तरीके रहते, वो तरीकों से अमल करेंगे तो रटूंगा, सिर बंद होगा तो नहीं जमता, सिर दुखा तो सिर के दर्द खाना पड़ेगा, पेट दुखा तो पेट के दर्द खाना, हर चीज का एक तरीका रहता, उस चीज के तरीके से उसका इलाज करना पड़ता, सब कट के चल खराब हो जाता। इंशाअल्लाह ताला आगे के तफसीर में सब नाम वाम पूछूंगा, क्योंकि अभी मैं ज्यादा बोलने के मूड में नहीं हूँ, मैं बहुत जलाल में आया हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आया वो सब बातें सुन के शिर्क के बारे में। अल्लाह सारे मुसलमानों की, गरीबों की, अमीरों की, जो भी है अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत या उन सबके दीन की ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको जन्नत के फिरदौस खुदार बनाए और सबको सही तरीके से दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो अच्छा अच्छा ठीक है, चलो झगड़ो उसको। हाँ अगला बात रहा उसके अंदर तेज और जलाओ। हाँ चल बोल, कब मारने का तो छुपा ले, कब मार। वालेकुम सलाम। बोल जला दूं पूरा, जला दूं पूरा, जोर से बोल हाँ या ना। हाँ इश्तियाक को कैसा मारने का था, सुसाइड करके बीमारी डाल के। हाँ कैसा मारने का था, कैसा मारने का था, कैसा मारने का था उसको, कैसा मारने का। छोड़ू क्या, रखो छोड़ू, छोड़ने का कि नहीं छोड़ने का, आजाद करूं अभी कि नहीं। हाँ जल्दी बोल, जल्दी बोल, और लगा था, और लगा पूरी, देखा ना उसका समारोह से तेको मारूंगा अभी पूरा जला के रखता। कहां से पकड़े थे, शमशान से, कब्रस्तान से, कहां से, जोर से बोल, जोर से बोल, दो तीन सवाल के जवाब दे, भी टाइम नहीं मेरे पास, छोड़ दूंगा बाद में लूंगा तेरे से सवाल। हाँ चल बोल जल्दी, अल्लाह कहां से पकड़े,
अल्लाह कहाँ से अल्लाह इश्तियाक के आंग में कहाँ से डाले अल्लाह हाँ कहाँ से पकड़े इश्तियाक के आंग में कहाँ से डाले लाके कहाँ से डाले पढ़े लगे इसका बिस्मिल्लाह।